try toast and my egg. अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सना जमान और मेरे चैनल पे आप सबका दोबारा से खुशामदीद। कुछ ईदी मैं अपनी पहले यूज़ कर चुकी हूँ और अब बकाया ईदी मैंने अपनी बिल्कुल खलास कर दी है, तो जो शॉपिंग मैंने ऑनलाइन की है वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये पहली दफ़ा है कि मैंने अपनी ईदी में से अपने लिए, अपने घर के लिए कुछ परचेज़ किया है, वरना हमेशा मैं सेविंग्स करती थी और सेव कर कर के एंड पे उस्मान को ही दे देती थी उन्हीं के किसी काम के लिए। मैंने कभी अपने बच्चों की ईदी में रखी, हमेशा जब वो छोटे भी थे उनको लेके जाती थी टॉय शॉप पे, जो टॉयज़ उनको पसंद होते थे वो दिला देती थी। और अब जब से वो बड़े हुए हैं मैंने उनको यही गाइड किया कि मेरे मशवरे के साथ जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको पसंद है, आप अपनी ईदी से वो ख़रीद लो। इसी तरह लास्ट ईयर हमने गिलगित का ट्रिप किया था, जहाँ पर बच्चों ने अपनी टिकट से एक साइड की खुद ली थी। इस बार अपने मशवरे पे मैंने ख़ुद ही अमल किया और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैंने वो अपने लिए ले ली। दिस वन इज ऑसम, है ना? और ये एक ऑनलाइन स्टोर है प्रीमियर होम के नाम से, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है। इनकी वेबसाइट के थ्रू मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, वैसे ये दराज पे भी हैं लेकिन दराज पे इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मेरे ऑर्डर में एक मग चिप था जो कि 10 से 12 दिन बाद एक्सचेंज हुए, वो भी बार बार मैंने उनको रिमाइंडर्स दिए हैं। ये कंप्लेन सर्विस हैंडलिंग पाकिस्तान में आई थिंक बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स की बिल्कुल बेकार है। अगर आप इनसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे करें, अदरवाइज़ दराज को ऑप्शन अवेलेबल है, दराज की रिटर्न पॉलिसी काफ़ी बेहतर है। और ये पैकेज मैंने जेबी सईद से ऑर्डर किया है, ये कराची बेस्ड कंपनी है, इनकी भी वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। इनकी कंफर्मेशन मुझे कॉल आई, मुझे मैसेज आया, बहुत ही स्मूथ मेरा इनके साथ रहा, कंप्लेन तो कोई नहीं थी। अब इसका मैं कह नहीं सकती कि अगर कंप्लेन होती तो ये किस तरह से मुझे डील करते, बहरहाल पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी थी, पैकेजिंग तो प्रीमियर होम वालों की भी काफ़ी अच्छी थी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी पैकेजिंग बहुत सेफ़ है और हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है और ऊपर स्टिकर भी लगा हुआ था, तो जो कुरियर कंपनीज़ हैं वो भी फिर इस चीज़ का ख्याल रखती हैं। तो ये मैंने जो है एक्सपायरल डिश ऑर्डर की है, तो मैं उसको अनबॉक्स कर रही हूँ यहाँ पे। और ये बैम्बू कोस्टर्स हैं जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी प्राइस पर मिल गए थे, वैसे ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये पूरा एक स्टैकेबल 6 पीस का पेयर था जो कि मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला, तो मैंने इसको ले लिया। और ये वाइट रैमकिन्स मैंने ऑर्डर किए हैं क्योंकि खदीजा आजकल जो है वो मग केक बनाती है, तो मुझे लगा ये अच्छे हैं सिंगल सर्विंग के लिए। ये देखिए मेरी कितना अच्छा लग रहा है प्लेटर सर्विंग के लिए स्पायरल सा। और इस प्लेटर में भी आप जो है ब्रेकफास्ट टेबल पे आप इसको, इसके अंदर ऑलिव्स वगैरह डाल के रख लें या हलीम बनाएं तो उसके साथ जो हलीम के लवाजमात होते हैं वो इसमें कट करके रख लें। और ये बटर डिश भी मैंने ऑर्डर की है क्योंकि ये वाइट बटर डिश ब्रेकफास्ट टेबल पर अच्छी लगती है पड़ी हुई। तो ये है मेरी सारी शॉपिंग, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मैं लॉन में अपनी सैलड एंजॉय करते हुए, मोहम्मद कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे अब इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।